हेलो गाइस, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 और 44 इयर्स के बीच में आते हैं, इस कैटेगरी के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो कि 28 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ है और आज है 29 अप्रैल। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें या कहाँ से वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक और इजीएस्ट वे में बताऊंगा कि आप कैसे अपने लिए और अपने साथ वालों के लिए वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। इस चीज़ के लिए बस आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपके फ़ोन की, आपके इंटरनेट कनेक्शन की और आपके आईडी प्रूफ की। आईडी प्रूफ के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, अपना वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड नंबर, जो भी आपके पास हो। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और ले चलता हूँ मैं आपको अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो सिंपली एक फ़ोन नंबर से हो जाएगा आपके। उसके बाद एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन देखेगा और उसमें सबसे ऊपर वैक्सीनेशन का और कोविन का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। आप कोविन का जो ऑप्शन है उसके थ्रू आप वेबसाइट कोविन की, जो माई गवर्नमेंट के थ्रू वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ से आरोग्य सेतु से भी वैक्सीनेशन के ऑप्शन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस हैं इसमें। उसके बाद आपको वैक्सीनेशन ऑप्शन पर जाना है। वैक्सीनेशन ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। ये जो मोबाइल नंबर का जगह दिख रहा है उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये वैक्सीनेशन इन्फो वगैरह है। जो भी आप नंबर डालेंगे उस पर आपका ओटीपी आएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है और प्रोसीड टू वेरीफाई करना है। प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको आपकी डिटेल्स डालनी होंगी, जो भी आपके आईडी प्रूफ पर डिटेल्स हो। आईडी प्रूफ में ये सारे आईडीज चलेंगे, जैसे इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपके आईडी प्रूफ पर हो वही इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। जैसे मैं अगर ड्राइविंग लाइसेंस डालता हूँ तो उसमें जो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर इंफॉर्मेशन है वही मैं डालूँगा। ये सिर्फ मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको अपना रियल इंफॉर्मेशन भरना होगा। प्लीज़ इसे मजाक मत समझिएगा, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर डाल रहा हूँ। मान लीजिए मेरा नाम है राहुल गांधी और ये मेरा लाइसेंस नंबर है, इसके बाद जेंडर, फिर ईयर ऑफ बर्थ डालना है और सबमिट कर देना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मैक्सिमम आप 4 बेनिफिशियरी के एक नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किन्हीं भी 4 लोगों के आईडी प्रूफ और सारे डिटेल्स डाल के आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये रजिस्टर्ड हो गया है। यहाँ नीचे जैसे अगर आपको किसी और का रजिस्ट्रेशन करना है तो क्लिक हेयर टू ऐड बेनिफिशियरी पर आपको ऐड करना है। रजिस्ट्रेशन करते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। अब ये मैं दूसरा कर लेता हूँ, अब ये मैं दूसरा पैन कार्ड के थ्रू करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये पैन कार्ड है और यहाँ पैन कार्ड नंबर डालना है आपको। इसके बाद आपको वही डिटेल डालनी है जो आपके पैन कार्ड पर होगी, बिल्कुल करेक्ट डिटेल डालनी है। फिर ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर और सबमिट। सबमिट करने के बाद आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको जो स्टेटस दिखाई दे रहा है
वो नॉन वैक्सीनेटेड है अभी। इसमें एक्शंस में जाकर आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा, यहाँ पर शेड्यूल अपॉइंटमेंट में जाके जो आपका पिन कोड है वहाँ वो डालना है। और दो ऑप्शन है, एक फ्री वाला है एक पेड वाला है। अगर आप फ्री वाले पे करके पिन कोड डाल के फ्री वाले पे करते हैं तो आपके पास सेंटर्स आ जाएंगे नीचे, वैक्सीनेशन सेंटर होंगे, जो उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके शहर के वैक्सीनेशन सेंटर होंगे। उसमें आपको जो भी सेलेक्ट करेंगे उसमें सीट्स दिखाएगा कि कितनी सीट्स बची हुई हैं, कितनी मतलब जगह खाली हैं आपके लिए, तो उसी हिसाब से। और प्लीज़ सीट वेस्ट मत करिए क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन। अगर आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं तो ही आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो आप ये सब मत करिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगा, उसके बाद आपको बस डेट मिल जाएगी। ये मैंने फालतू में किया था इसलिए मैंने ये डिलीट कर दिया है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जो है वेबसाइट के थ्रू, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, कोविन वेबसाइट, उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है। उसमें जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है www.covin.government.gov.in/home। उस पे आपको जाना है, उसमें नीचे आपका रजिस्ट्रेशन और साइन इन का ऑप्शन आएगा, उस पे जाके आपको सेम वैसा ही करना है जैसे मैंने आपको आरोग्य सेतु ऐप में दिखाया था। आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है जिस पे आपको OTP मंगाना हो। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपका OTP आ जाएगा, उस OTP को डालिए। उसके बाद यहाँ मेरा OTP आ चुका है। OTP डालने के बाद सेम वही पेज खुल जाएगा रजिस्टर्ड मेंबर का। उसमें अगर आप जाएंगे तो सेम वही एक नंबर से चार लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसमें सेम ID प्रूफ मांगे जाएंगे, जिस भी ID के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ID सारी फ़ोटो ID होते हैं। देखा कितना आसान है, बस इसी तरह से आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।